हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ एमटीएस की जो तीनों शिफ्ट हैं, कल और परसों की, दोस्तों उनके पेपर का जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजे हैं उनका सॉल्यूशन। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में रिवाइज हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो एक या दो नंबर दोस्तों जिनसे आपका सिलेक्शन रहता है, वो सिलेक्शन दोस्तों, वो क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन ठीक करके अपना सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार दोस्तों क्या है, हर दूसरी शिफ्ट में रिवाइज हो रहे हैं। जो जो क्वेश्चन सुबह की शिफ्ट में आता है, चाहे वो शाम की शिफ्ट में आ जाता है, दोपहर की में आता है, सुबह आ जाता है, तो कुछ क्वेश्चन जो रिपीट होते रहे हैं दोस्तों। चलिए इस वीडियो में देखते हैं अपना सोल्यूशन जो कल की तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सहाय योजना। सहाय योजना दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? सहाय योजना इसका आंसर रहेगा दोस्तों झारखंड सरकार ने ये सहाय योजना 2021 दिसंबर में शुरू की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए, चाहे एमटीएस में तो आया ही हुआ है, ग्रुप रेलवे ग्रुप डी हो, एचएसएससी सीईटी से संबंधित हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ था? शिक्षा का जो अधिकार कानून है वो कब लागू हुआ था? तो वो लगवा था दोस्तों 1 अप्रैल 2010। बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है, आप मिला लीजिएगा चाहे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्रेट व शिवालिक हिमालय, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ग्रेट व शिवालिक हिमालय पर्वतमाला रेंज से क्वेश्चन है, के बीच कौन सी पर्वतमाला स्थित है? देखिए दोस्तों, ऊपर ग्रेट हिमालय है और नीचे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय आप सभी जानते हैं हरियाणा से लगता भागत, जिसमें शिवालिक मोरनी की पहाड़ियां हैं, तो शिवालिक हिमालय सबसे निचला पार्ट और ग्रेट हिमालय एक पार्ट छोड़कर उससे ऊपर पार्ट, इन दोनों के बीच में पूछा कौन सा पार्ट है, तो मध्य हिमालय दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल से 2000 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों, 2022 फीफा वर्ल्ड कप होगा कतर में, कतर की राजधानी दोहा में। अगर 2026 का आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो वो होगा दोस्तों, अगला ध्यान रखिएगा, अगर अगली शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाए 2026 फीफा वर्ल्ड कप, तो ये होगा यूएसए कनाडा और मेक्सिको, यूएसए कनाडा और मेक्सिको में 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा दोस्तों। उसके बाद 2021-22 में विजय हजार ट्रॉफी किसने जीती? सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा, विजय हजार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो विजय हजार ट्रॉफी जो ना क्रिकेट खेल से संबंधित है, ये तमिलनाडु ने जीती है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को हराकर। जो विजय हजार ट्रॉफी है वो तमिलनाडु ने जीती है, हिमाचल प्रदेश को हराकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संगीतकार ए आर रहमान को अब तक कितने ग्रैमी अवार्ड मिले हैं? पहला क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिए, ग्रैमी अवार्ड पूछ लिया, ग्रैमी अवार्ड का संबंध किस से है, तो ग्रैमी अवार्ड कहाँ किस क्षेत्र में मिलता है, तो संगीत के क्षेत्र में, और ये मिले हैं दोस्तों आज तक ए आर रहमान को 2। उसके बाद नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन पूछा गया, टोक्यो ओलंपिक जो में भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता था? एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध हरियाणा के पानीपत जिले के गाँव खंडरा से है दोस्तों, और हाल ही में उन्होंने अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है जो 89.93 जो होना मीटर वाला फेंका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर के दरबार में आप सभी को पता है नवरत्न रहते थे, तो उनमें पूछा गया है राजस्व मंत्री वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों, टोडरमल उनके वित्त मंत्री थे। अगले में भूटान की राजधानी पूछी गई है कि भूटान की राजधानी कौन सी है, ऑप्शन में थिम्पू था, तो थिम्पू भूटान की राजधानी रहेगी। अगला क्वेश्चन फिर ज्योग्राफी कल से पूछा गया, ज्योग्राफी से पूछा गया नेहरू से, बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन सी नदी गिरती है? ऑप्शन इस तरीके से नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और लूनी दोस्तों, ये ऑप्शन आपके एग्जाम में थे, तो गोदावरी इसका राइट आंसर रहेगा, जो दोस्तों क्या है बंगाल की खाड़ी में गिरती, बाकी सभी नदियां जो ऑप्शन में है वे अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? पॉलिटी से क्वेश्चन देखिए, किसी एक राज्य में अधिकतम विधानसभा की सीट हो सकती है 500, अगर यहाँ पर न्यूनतम पूछ ले, कम से कम पूछ ले तो 60 कम से कम हो सकती है, लेकिन इसका कुछ अपवाद है, कुछ जो है ना राज्यों में 60 से भी कम है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 1 रुपए का करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपए का करेंसी नोट जारी करता है दोस्तों वित्त मंत्रालय, और जो नोट हो यानी मुद्रा जैसे 5 का 10 रुपए का इस तरीके से जो नोट है उनको जारी करता है दोस्तों आरबीआई, और उन पर साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के, जबकि 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के, फाइनेंस सेक्रेटरी के। उसके बाद साइंस से क्वेश्चन है, पित्तरस का स्राव करने वाली ग्रंथि कौन सी है? जो बाइल जूस है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है दोस्तों? लीवर यानी यकृत ग्रंथि से वो बाइल जूस जो स्रावित होता है। सुंदरी का पेड़ किस
डेल्टा में मिलता है या कहाँ पर मिलता है? क्वेश्चन ये पूछा गया सुंदरी का पेट कहाँ पर मिलता है, तो ऑप्शन में आपके था गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आपसे भी जानते दोस्तों कौन सा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ठीक था। अगर किसी शिफ्ट में आंसर क्वेश्चन को बदल दे और ऑप्शन भी बदल दे तो ध्यान रखना सुंदरबन डेल्टा आ जाए, तो यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सत्रिया नृत्य जो है ना वो किस राज्य का नृत्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम का जो है ना सत्रिया नृत्य रहेगा। बोनालू त्योहार मनाया जाता है, मैंने आपको कई वीडियो में पहले ही बताया कि त्योहार फेस्टिवल वगैरह से और डांस वगैरह से संबंधित हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन पक्का है 100%। बोनालू त्योहार मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। नटंजलि, नटंजलि एक प्रकार का जो वार्षिक नृत्य उत्सव दोस्तों एक किस राज्य का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, तो ये रहेगा भी आपका तमिलनाडु का जो नटंजलि वार्षिक उत्सव है। बुक से क्वेश्चन अगला पूछा गया है गोन गर्ल बुक के लेखक कौन है भी, ये है गिलियन फिलन। देखिए ध्यान रखिए गोन गर्ल गिलियन फिलन। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अपना किस देश के संविधान से ली गई, आपसे भी जानते हैं तो भारतीय संविधान अडॉप्ट किया गया है बहुत सारे देशों से लिए गए हैं, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली गई है अभी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो 367 में संविधान संशोधन अपने संसद में होता है। तो ये थी दोस्तों एमटीएस के पेपर सॉल्यूशन की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नई वीडियो में।